अभी दोस्त के साथ जा रहा हूँ बाहर, तो मिलते हैं आगे व्लॉग में। तब तक आप रोड के सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। देखो ये रहे, बहुत ज्यादा नजदीक है पहाड़, हार्डली 1-2 किलोमीटर हो गए भाई इधर से। ओ भाई ये झाड़ की वजह से नहीं आ रहे भाई, किधर आ चुके हैं देखो। अरे भाई क्या पूरा जंगल में आ चुके हैं गाइस हम लोग। देखो क्या रोड है इधर, और भाई हम लोग इधर बाइक पे जा रहे हैं। ऐसे मैं कैमरा भी ठीक से नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि इधर देखो आसपास में बहुत ज़्यादा ये कांटे वगैरह है, तो भाई लग जाए उससे अच्छा। तो देखो मैं अच्छे से कैमरा भी नहीं रख पा रहा हूँ भाई। जब भी हमने गांव में एंटर कर लिया है, और गांव का नाम है भाई वरेठा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इधर। अभी हम लोग नर्सरी में इधर एंटर हो चुके हैं, देखते हैं क्या प्लांट्स वगैरह है, कुछ अच्छा लगेगा तो ज़रूर से लेके, पर देखते हैं पहले कैसे है और किस कंडीशन में अच्छे है, तो फिर अगर अच्छा लगेगा तो पक्का लेंगे भाई। इधर तो कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं लेने जैसा भाई। ये देखो क्या है ये सब भाई, ये तो ऑलरेडी पहले भी लगाया हुआ था, कुछ भी नहीं है भाई। कोई फ्लावर तो एक भी नहीं दिख रहा इधर, पता नहीं भाई सीज़न नहीं है अभी, इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है। ये है देखो ये क्या है, पता नहीं गाइस कोई तो प्लांट है। ये पूरा 3500 का, अरे भाई साहब ये सब तो गाइस क्या ही लगाएगा। मेरे को तो भाई अच्छे 3 कलर के रोज़ चाहिए थे, रोज़ भी नहीं, रोज़ ही एक ही कलर का है, पर वो भी ठीक नहीं लगा मेरे को, अच्छा नहीं लग रहा वो रोज़ भी। देखो ठीक है भाई, अभी ये भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा गाइस मेरे को तो। अरे देखो भाई कितने बड़े बड़े प्लांट्स है इधर, देखो इतने बड़े बड़े। अरे इसका रेट है भाई 2800, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये देखो भाई नहीं गाइस मजाक कर रहा हूँ, ये तो पेड़ ही है पूरा। पर ये देखो गाइस ये है मोगरा, ये पर इसके अंदर फूल नहीं लगेगा, इधर अभी समर चल रहा है ना इसीलिए। देखो इधर क्या सिस्टम से 24 आवर पानी सप्लाई होता है, देखो ये आपको दिख रहे होंगे आगे, देखो कैसे हो रहा है पानी सप्लाई। और देखो आजू बाजू में जो पंखी लोग है वो भी गाइस अपना अंदर से खा रहे हैं देखो। और ये रही गाइस पूरी नर्सरी इधर, जैसे कि आप लोग आ रहे हैं, मैं इसके साथ भाई आया हुआ हूँ। घुमाते भाई हम लोग इधर आ चुके हैं साईं बाबा के मंदिर पे, जो कि फेवरेट प्लेस है हमारी, क्योंकि पूरा मस्त एरिया पे लोकेटेड है इधर, और बहुत बड़ा अच्छा मंदिर बना है। अभी तो फिलहाल बंद है क्योंकि भाई अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं भाई, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो मैं सोचा भाई वैसे तो आ नहीं पाते, तो भले ही खुला ना हो पर साईं बाबा के द्वार तक तो आ ही सकते हैं, अब दर्शन तो हो जाएंगे गाइस, दर्शन तो हो जाएंगे। देखो गाइस बहुत ही बढ़िया वाइब होती है गाइस इधर की, इधर ये तो बजा नहीं होता है साईं बाबा। और पूरा मंदिर के चारों ओर खेत ही खेत है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पूरा खेत है, और ऐसा साईं बाबा की जो होती थी इधर वो है, और धूनी बोलते हैं गाइस इसको, धूनी बोलते हैं। और इधर साईं बाबा की जो द्वारका माई थी जिसमें साईं बाबा रहते थे, वो भी गाइस छोटी सी बनाई हुई, देखो इसको द्वारका माई बोलते हैं। देखो इधर भी अच्छे से सब कुछ बनाया हुआ है, तो बस एकदम मन एकदम शांत हो जाता है इधर आगे,
इस पुराना मंदिर था वो उधर था, पर अभी तो ये बहुत बड़ा बना दिया है, तो गाइस बहुत अच्छा लगता है इधर आके। तो गाइस इधर गोगा महाराज का भी इधर बहुत बढ़िया इधर कैंपस में मंदिर बनाया हुआ है। फोकस नहीं हो रहा गाइस क्योंकि ये जाली है, तो दर्शन कर सकते हो आप भी। और ये इधर नीचे की साइड लोकेटेड है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, और ये मंदिर इधर लोकेटेड है, ये मंदिर इधर लोकेटेड है। तो अब कभी आप इस साइड खेरालू साइड आओ तो आ सकते हो इधर अंबाजी हाईवे पे, इधर लोकेटेड है, बहुत ही बढ़िया जगह है। तो चलो गाइस अभी चलते सीधा घर, और घर जाके भाई मैं तो सोने वाला हूँ, तो चलो गाइस मिलते हैं शाम को। बाइक बहुत कैटर भी पूरा भाई, अभी तो 35 किलोमीटर आसपास घूमे हैं, जो भी भाई खत्म हो गया है पेट्रोल, तो वापिस 100 रुपये का पेट्रोल डलवा दिया है, तो वापिस 100 रुपये का डलवा दिया है, तो देखते 100 रुपये का तो ज़्यादा चलेगा नहीं, पर गाइस बाइक थोड़ा पुराना है तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। और अभी गाइस जा रहे हैं बस, और ये बोल रहा है कि बहुत पैसा है हमारे पास, तो गाइस बस अभी पहुँच ही रहे घर पे जाके सीधा सो जाते हैं। मैक्सू के दोस्त अभी मैक्सू को घुमा रहे हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। हेलो बोलो, हेलो हेलो। देखो भाई एनर्जेटिक है, फुल एनर्जेटिक है ये लोग तो, और मैक्सू भी अपना एनर्जेटिक है। मैक्स किधर गया भाई पता नहीं, ये लोग तो भाई चेन लेके घूम रहे हैं। देखो ये एक कंटेस्टेंट इधर है जो कि उसकी चेन लेके घूम रहे हैं, और अभी मैक्सू किधर गया कुछ भी पता नहीं। मैक्सू भाई की तो ये देखो भाई बाइक गिरा दिया यार इधर तो। मैक्सू ये रहा भाई। देखो मैक्स देखो क्या कर रहा है भाई इधर। देखो भाई इसके पूरे कपड़े भी बिगाड़ दिए है भाई। देखो अभी इसके साथ खेल रहा है, कंट्रोल के बाहर हो चुका है भाई। छोड़ दो बोले वैसे तो मैंने सोने का प्लान बनाया था, पर जैसे ही घर पे आया तो भाई दीदी बोलने लगी कि मैक्सू अभी उठ चुका है, तो भाई उसको मैं नीचे लेके गया, वैसे भाई उसके दोस्त आ गए, तो उसके दोस्त जैसे ही आए तो मैंने उनको दे दिया, फिर मैंने सोचा मैं सो जाता हूँ, पर फिर सोचा भाई मैक्सू को छोड़ देते, तो भाई मस्त अपना छोड़ दिया, खुला घूम रहा था आराम से। रोज छोड़ता हूँ पर मैं ब्लॉग में कभी कभार बताता नहीं हूँ, और ब्लॉग भी मैं बहुत टाइम बात कर रहा हूँ, थोड़े दिन बात कर रहा हूँ, दोस्त लोग के साथ गए थे उसके बाद अभी डायरेक्ट ब्लॉग कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी सॉरी। और अभी मैं डायरेक्ट चाय पीने लगा हूँ क्योंकि दीदी ने भाई चाय बना दी है, तो अभी सोने का प्लान तो कैंसिल हो चुका है। उसके बाद भाई दादी हमारी अभी तो धर्म ध्यान पे लगी हुई है, उसको भी रखने जाना है, उसको भी देरासर मंदिर पे रखने जाना है, तो उसको रखने चलेंगे बाद में। वापस से बाहर आ चुका हूँ और अभी मैं दूध लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई डेयरी में से दूध लाता हूँ, हम लोग घर पे अमूल का दूध नहीं लाते क्योंकि डेयरी वाला दूध बेस्ट रहता है, तो वही लेने अभी आया हूँ भोपाल। तो अभी मतलब यही है देख रहे हो, जैसे कि इसके साथ आया हूँ भाई मैं, इसके साथ ही आता हूँ मैं दूध लेने, तो चलो फटाफट दूध लेते हैं, उसके बाद में सब्जी लेनी है, फिर दही लेना है, उसके बाद घर चलते हैं। अभी तक कुछ प्लान नहीं था कि मैं डिनर तो घर पे ही करने वाला था, पर सडनली मेरे फ्रेंड का कॉल आया, उसने बोला कि भाई चल भाई बाहर कुछ खाने चलते हैं, तो भाई हमने प्लान बनाया कि डोसा खाने चलना है, तो हम लोग इधर हमारे स्पेशल चूल्हा डोसा बोलते हैं वो खाने जा रहे हैं हम तीन दोस्त लोग, तो चलो वहाँ पे मिलते हैं, आपको दिखाऊंगा हम कौन सा डोसा खा रहे हैं, और ज़्यादा पब्लिक होगी तो व्लॉग नहीं करूँगा ज़्यादा, पर आपको दिखाऊंगा कि कौन सा डोसा खा रहे हैं हम लोग। भाई जाने से पहले मैक्सू को खिलाना ज़रूरी था, तो मैंने उसके लिए इधर चावल और दही कर दिया, और थोड़े ये दो ये थेपले खाएगा गाइस आज मैक्सू। और फिर आए तू सांस लहराए, क्यों रंग बिखराए, यूं जादू तेरा।